अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नासिर डिजिटल टेक के प्लेटफॉर्म से आज एक बार फिर हाजिर है। आज हमारे पास कंप्लेन है, स्प्लिट एसी कूलिंग नहीं कर रहा, चल तो रहा है कूलिंग नहीं कर रहा। तो हम चेक करते हैं कूलिंग क्यों नहीं कर रहा, क्या रीज़न है। ऑन करो बेटा, ओहो तो रिमोट से सेटिंग आउट है यार, उसको पहले रिमोट से सेटिंग कर लूँ। एक मिनट, मूड ऑन है यहाँ से, ये देखो ये हीट पे था और ये कूल पे आया। एक मिनट। तो जी दोस्तों, कंप्लेन ये थी कि एसी कूलिंग नहीं कर रहा, आउटडोर यूनिट नहीं चल रहा। तो हमने अभी इसका मूड चेंज करा है, कूलिंग पर लेकर आए, इसका मूड चेंज था, हीट पे किया था। तो अभी चेक करते हैं, मज़ीद 5 से 10 मिनट से चला के रखते हैं, फिर आपको अपडेट देते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो जी दोस्तों, फाइनली इसका आउटडोर यूनिट ऑन हो गया है। ये देखिए, हमने इंटरमीटर लगाया है, इन्वर्टर इसी है, डेटर डाउलेंस इन्वर्टर एलिजेंट सीरीज है। ये देखिए एम्पियर शो कर रहा है स्टार्टिंग में 3.56, अभी आस्ते आस्ते इसके एम्पियर बढ़ेंगे। ये फुल लोड पर आएगा, तभी 5 से 7 मिनट लेगा, फुल लोड पर आ जाएगा। तो रहना बेटा, इसे फिल्टर निकाले जल्दी से, अभी इसे फिल्टर भी चेक कर लेते हैं। एयर फिल्टर आराम से खोलो, दोनों साइड निकले। तो हम जब यहाँ पर आए तो हमें यही कंप्लेंट मिली, निकाले भाई एसी कूलिंग नहीं चल रहा, कूलिंग नहीं कर रहा। तो हमने सबसे पहले जब चेक करा तो रिमोट से सेटिंग ही आउट थी। ऊपर निकालो मटेरियल आराम से, ऊपर निकालो। तो इसके फिल्टर निकाल लिए, सर्विस की तो फिलहाल जरूरत नहीं है, बस इसके एयर फिल्टर क्लीन करेंगे और लगाएंगे और बस कम फिर वगैरह चेक करेंगे, आउटर चेक कर लेंगे। दफा आप देखिए बिल्कुल ये देखें। अच्छा, इन्वर्टर में ऐसा होता है कि ये मिनिमम एम्पियर से स्टार्ट होता है और ऐसा ऐसा ऊपर जाता है। खासतौर पर ये चीज़ें उनके लिए तो बहुत ज़रूरी हैं, जो नए सीखने वाले हमारे दोस्त हैं और जो बेसिकली डिप्लोमास कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल के या एचवीएसी के, उनके लिए तो हमारी वीडियोज़ किसी खजाने से कम नहीं है। तो जी दोस्तों, ये देखें, हम आपको ये मॉडल नंबर दिखा रहे हैं, स्प्लिट एसी एयरकॉन सीरीज़ है ये, डाउलेंस इन्वर्टर बिग इंडोर में, और इसकी एयर थ्रो भी बहुत अच्छी है। नॉर्मल अगर आप इंडोर देखें दूसरे ब्रांड्स के, उनके मुकाबले में इसकी थ्रो भी काफ़ी लॉन्ग थ्रो हुई है। तो ये देखें, वो आपको हर चीज़ डिटेल में बता रहे हैं, ख़ास तौर पर नए सीखने वाले। देखें एयर का फ्लो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, हम तकरीबन 8 फीट की दूरी पर खड़े हैं, 8 से 10 फीट, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हम एसी के मुंह पे खड़े हैं। तो ये देखें, ये नेट भी हमने क्लीनिंग कर ली है, एयर फिल्टर, तो बस ये सर्विस करके हम लगाएंगे। और एसी में कोई फॉल्ट तो नहीं था, बस रिमोट से इनसे सेटिंग आउट हो गई थी या किसी बच्चे ने छेड़ दिया हो, तो इनको शायद पता नहीं चला। तो अब लगाते हैं फ़िल्टर। तो एयर फिल्टर तो हमने ऐड करा दी है वापस, ठीक है। अब ये हल्की सी ज़रा हो रहा है भाई से कहा कि लाइट की ज़रा सर्विस कर दें ताकि जो डस्ट जमी है ये निकल जाए। और साथ ही हम आपको इसके एम्पियर दिखा देते हैं। देखिए ऐसा एम्पियर बढ़ रहे हैं 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो इस वक्त ये तकरीबन लोड पर है 16 पे चेक तो कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको कस्टमर से वो अपनी गुफ्तगू सुनाते हैं, आप भी सुन लीजिए हमने उनको कितने अच्छे तरीके से गाइड किया और कम्प्लीटली उनको मुतमइन किया, उनके सवालों का अच्छे से हमने जवाब दिया। 27 पे इसीलिए तो कह रहा हूँ, इनका कहना ये है, ये जो सवाल करना चाह रही है वो सवाल ये है कि जब कूलिंग मुकम्मल हो जाती है एनवायरनमेंट के हिसाब से, बिल्कुल तो ये ऑफ हो जाता है, ये वो बिल्कुल ऐसे ही। तो वही है कि आप 27 पे चलाएंगे, जब टेम्परेचर मेंटेन रहेगा थोड़ा सा चलेगा बंद हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा कंप्रेसर से, गाड़ी बिल्कुल स्लो हो जाती है, 10 पे आ जाती है, 100 पे चल रही होती है। हमें ये करना है कि जो इसकी लीकेज है ना वो सारी बंद कर देंगे। और इसी तरह मेरी वीडियो चैनल पर फेच के, अगर आपने आजकल जो अभी मैंने अपलोड किए 3-4 दिन पहले, जो भी लिंक सेंड कर दिया अभी आपको सेंड कर दिया, हमारा मौसम तो कराची का ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। तो अब आप फ्रिज के जो थर्मोस्टेट है, जिसके बटन होते हैं ऑटोमेटिक, उसको आप 3 पे कर लें। अच्छा, हाँ, इससे बिजली की बचत है, कूलिंग हो ही रहेगी, मौसम भी देख रहे चेंज हो गया ना, मौसम चेंज हो गया। अब हमारा टेम्परेचर आ गया 30, अब हमारा जब टेम्परेचर 40+ होता है, जब हमें जरूरत होती है उसको 5 पे चला देंगे या 6 पे, और अभी दिसंबर में जाके उसको 2 पे भी कर दें आप, अभी बिल्कुल मूव करेंगे। आओ नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो।
तो जी दोस्तों, असल जो फॉल्ट था वो था रिमोट का। रिमोट की जस्ट सिर्फ सेटिंग आउट थी, शायद किसी बच्चे ने या इन्हीं के अपने हाथों से दब गया जो इनको अंदाज़ा नहीं हुआ। और इसका देखें, लाइट बहुत हल्की शो कर रहा है, डिस्प्ले सेल भी वीक हैं, तो हमने इनको सेल चेंज करने का भी एक मशवरा दे दिया कि फ़ौरन इसके सेल चेंज कर लें। ये देखें बहुत हल्की है, इसका डिस्प्ले आ रहा है। तो देखें कूलिंग अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो रही है इस वक्त 28 पर भी। और ये देखें एम्पेयर भी इस वक्त 4 point something एम्पेयर ले रहा है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये लोड पर आ रहा है, स्टार्टिंग में थोड़े से एम्पेयर कम होते हैं, फिर जैसे जैसे चलता है इसके एम्पेयर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।